T20 2022 मुकाबले में आज पहला मैच न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ, जिसमें टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने 200 रन का एक बड़ा स्कोर खड़ा किया। न्यूजीलैंड के लिए डेवोन कॉनवे और फिन एलन के अलावा जिम नीसम ने शानदार बल्लेबाजी की। कॉनवे ने 58 गेंदों में 92 रन बनाए, वहीं फिन एलन ने 16 गेंद में 42 और जेम्स नीसम ने 13 गेंद में 26 रन की पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड ने 2 और जंपा ने 1-1 विकेट लिया, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज पूरी तरह फ्लॉप रहे। सबसे ज़्यादा 28 रन ग्लेन मैक्सवेल ने बनाए और पेट कमिंस ने 21 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया टीम 17.1 ओवर में 111 रन के स्कोर पर सिमट गई और 89 रन से ये मैच हार गई। न्यूजीलैंड के टीम साउदी और मिशेल सेंटनर ने 3-3 विकेट लिए। टेंट बोल्ट को 2-2 विकेट मिले। फर्गुनेंस और सोडी को 1-1 विकेट मिला। T20 विश्व कप में यह रनों के अंतर से ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी हार है। इस जीत के साथ ही न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया से 2021 T20 विश्व कप के फाइनल में मिली हार का बदला ले लिया है। 2011 के बाद यह पहला मौका है जब न्यूजीलैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया में कोई मैच जीती है। दोस्तों, इस मैच में मैन ऑफ द मैच रहे न्यूजीलैंड के विकेट कीपर डेन कॉनवे, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 92 रन बनाए। तो दोस्तों, क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे चैनल क्रिकेट बोल से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।